हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं सभी बच्चे? तो होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। सो दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड यू विल बी स्टडिंग कॉर्डेटा विथ मी ओनली ऑन ग्रेड अप नीट चैनल। तो होप आप सभी तैयार हो आज के इस सेशन के लिए। फटाफट से आ जाइए, जो बच्चे नहीं आए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हेलो आशीष, हेलो दानिया, कैसे हैं सभी बच्चे? यार फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आई कैन सी बहुत ही कम बच्चे आए हैं। कहाँ गए सारे बच्चे? एंड यस, फटाफट से शेयर कर दो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में, इनवाइट कर लो उन्हें भी इस सेशन के लिए। हेलो सुप्रिया, हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा इन वन शॉट। हम पूरा कॉर्डेटा आज कवर कर लेंगे। कॉर्डेटा के साथ हम कॉर्डेटा के जो क्वेश्चंस है वो भी कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आज के बाद जो है कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए अगर कॉर्डेटा से तो वो बनने लगेंगे। तो होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास एंड साथ ही साथ कॉर्डेटा को हम टेब्यूलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे ताकि रिवीजन के लिए जो है आपको आसानी हो। हेलो साक्षी, हेलो शिखा, हेलो अनुज, हेलो एवरीवन, हेलो विशाखा, गुड इवनिंग। ओके, यू आर वैष्णवी, हेलो वैष्णवी, हाउ आर यू? यस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल एंड आई वॉन्ट मोर ऑफ माई स्टूडेंट्स टू कम एंड ज्वाइन दिस क्लास। फटाफट से आ जाइए। हेलो आरू, हेलो पवन, गुड इवनिंग एवरी वन। तो दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड यू विल बी स्टडिंग कॉर्डेटा विथ मी, कॉर्डेटा इन वन शॉट ओनली ऑन ग्रेड अप नीट चैनल। इसी तरह से डेली यू हैव क्लासेस एंड कल होगा बच्चों मेंटी क्विज, टॉपिक विल बी एनिमल किंगडम। टुमोरो देर विल बी मेंटी क्विज ऑन द टॉपिक एनिमल किंगडम। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो जाके उसको पढ़ लो, रिविजन कर लो और कल आना है मेंटी क्विज में। एंड मैं देखना चाहती हूँ आप सभी को हमारे लीडर बोर्ड में। हेलो पवन, दानिया, प्रांशु, नैना, आनंद, प्रकाश, गुड इवनिंग एवरी वन। हेलो सोनू कुमार, जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, कॉर्डेटा पढ़ना है तो स्टार्ट करें। नीलिमा, हेलो नीलिमा, गुड इवनिंग। प्रियंका, यस आई एम फाइन नीलिमा, एंड मुझे लगता है आप सभी भी बच्चे ठीक होंगे, अच्छी तरह से जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सोना थोड़ा कम कर दिया होगा, टाइम वेस्ट करना थोड़ा कम कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, चलिए फटाफट से आ जाइए। हेलो गणेश, गुड इवनिंग बेटा, कॉर्डेटा स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कॉर्डेटा में, इतने सारे नाम याद करने पड़ते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ते हैं, तो सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। हेलो थीरू, गुड इवनिंग। हेलो राजेश्वरी, प्रांशु, इंदिरा, यस आई एम फाइन बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो कॉर्डेटा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों की कॉर्डेटा होता क्या है। ठीक है, कॉर्डेटा क्या होता है भाई? बहुत टाइम से मैं आपको ये एनिमल किंगडम वाला चैप्टर जो है पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ नॉन कॉर्डेटा। कल हमने नॉन कॉर्डेटा पढ़ा था, उसके पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो कॉर्डेटा क्या होता है? यस इंदिरा, आई एम परफेक्टली फाइन बेटा। ओके, जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेटा बनाता है। एंड वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, आप सभी भी नोट डाउन करोगे मेरे साथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नोटोकॉर्ड। दिस शुड बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। तो जिसमें, ओके, सो जिसमें बच्चों नोटोकॉर्ड है, जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड है जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, कल भी हमने बताया था, जिस जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड जरूरी नहीं है कि एडल्ट में हो, ये नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में भी हो सकता है, ये हेड टू टेल में हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ टेल में हो सकता है। समझ गए इस बात को? हेलो यामिनी, यस। तो नोटोकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो होना चाहिए कॉर्डेटा में। दूसरा है बेटा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, गिल स्लिट्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक, अब आप बोलोगे हमें तो गिल स्लिट्स नहीं है, बट हमारे एम्ब्रियो में था बेटा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी स्टेज पे अगर गिल स्लिट्स होता है तो उसे हम बोलेंगे कॉर्डेटा। एक आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके पास होता है गिल स्लिट्स, इसलिए भी हम कॉर्डेटा है।
थर्ड इज, पोस्ट एनल टेल। ओके, पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद एक टेल प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा में। अगेन आप खुद को याद करो, खुद के एम्ब्रियो को याद करो, आपके पास भी एक टेल था पहले, राइट? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा आपको ध्यान में रखना है जो कॉर्डेटा के होते हैं। ओके, एटाविज्म, यस जे, एटाविज्म थोड़ा डिफरेंट है। एटाविज्म इज अपियरेंस, री अपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है क्या? मतलब है एटाविज्म का, मतलब है कि अगर कोई बच्चा, अभी तो किसी की टेल नहीं होती है, बट अगर कोई बच्चा अभी बॉर्न होता है विद द टेल, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स में टेल था जो इसमें दिख रहा है, राइट? दैट इज एटाविज्म। मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आपकी भी टेल थी बट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? सब कुछ क्लियर है? चलो एंड फटाफट से लाइट भी करते जाओ यार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखो सबसे ऊपर की तरफ क्या है बेटा, ये लेबलिंग्स ध्यान में रखनी है। सबसे ऊपर की तरफ नर्व कॉर्ड है, और क्या आप देख रहे हो, ये हॉलो है, दिस इज हॉलो। ओके, एंड ये कौन सा सरफेस है? दिस इज द डॉर्सल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस है। ये नीचे वाला कौन सा सरफेस है बेटा? ये वेंट्रल सरफेस है किसी भी कॉर्डेटा का। हाँ, फोन आया, मैंने काट दिया। चलो तो यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है नोटोकॉर्ड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गिल्सलिट्स भी है, और एनस के बाद यहाँ पर टेल भी है, राइट? सो दिस इज द पोस्ट एनल टेल। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा हमेशा होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर आप उन्हें बोलते हो कॉर्डेटा तो। ओके, वेरी नाइस, जिसने भी लाइक कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। यस इंद्रजीत, राइट, डॉर्सल नर्वस सिस्टम इज देयर व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्डेटा। चलो कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच में। वैसे तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, एंड इससे नीट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं बताऊंगी कौन से पॉइंट से पूछा जाएगा। यस, सिंगल, इट शुड बी सिंगल। जैसे मैंने बताया था, नॉन कॉर्डेटा में जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो वो होता है वेंट्रल, आगे की तरफ, सॉलिड, हॉलो नहीं होता है, एंड डबल होता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट। कॉर्डेटा में कैसा होगा बेटा? कॉर्डेटा में डॉर्सल पीछे की तरफ होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा, ठीक है। गिल स्लिट्स होते हैं कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ट। हार्ट आप खुद को याद करो, कॉर्डेटा में हार्ट आगे की तरफ होता है, एंड नॉन कॉर्डेटा में हार्ट अगर प्रेजेंट है, जैसे कि आप बात करो कॉकरोच की, ठीक है, अगर प्रेजेंट है हार्ट तो वो कहाँ होगा? डॉर्सल या पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं पॉइंट जिन्हें हम बोलते हैं नीट बॉम्बर, जो डेफिनेटली नीट में पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके, चलो वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा फाइलम को हम डिवाइड कैसे करते हैं वेरियस ग्रुप्स में। तो कॉर्डेटा फाइलम को हम डिवाइड करेंगे बेटा प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा एंड और वर्टिब्रेटा में। दिस इज ए क्रेनिएटा, देखिए दिस इज ए क्रेनिएटा। ओके, सो प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा में हम डिवाइड करते हैं कॉर्डेटा को। प्रोटोकॉर्डेटा होता है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अच्छा, यूरो का मतलब क्या होता है बच्चों? यूरो का मतलब कौन बताएगा मुझे? अच्छा बताइए बताइए। यस, दिस शुड बी ए क्रेनिएटा बेटा एंड नॉट क्रेनिएटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा या ए क्रेनिएटा, जिसमें आते हैं सब फाइलम्स। ये दोनों क्या हैं? दीज आर सब फाइलम्स। ओके, तो
तो सब फाइलम्स कौन से आते हैं? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो अ सब फाइलम। ओके, एंड ये टर्म आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा। यूरो का मतलब होता है बेटा टेल। ओके, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेटा है। एंड सेफेलो का मतलब होता है हेड। तो इससे आप इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हो। वेरी गुड आशीष, टेल। सो यूरो मींस टेल, दैट मींस कि यूरो कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में होगा। सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल में होगा, दैट टू इन एडल्ट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ओके बेटा, हाँ, यूरोकॉर्डेटा को ना हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा। क्रेनिएटा का मतलब है जिसके पास होता है ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। इनके पास क्या होता है? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, ठीक है। एंड यस, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी हो सकता है जो कि कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोनी हो सकता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू ए गनाथा। ए गनाथा, गनाथा का मतलब होता है बेटा जॉ। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉ, ये जो आपका मैक्सिला मैंडिबल है ये नहीं होता है। एंड गनेथोस्टोमेटा का मतलब है गनेथा मतलब अगेन जॉ। एंड स्टोमेटा या स्टोमा का मतलब होता है माउथ, में आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो गनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या होगा बेटा? जिनके पास जॉ है माउथ में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं गनेथोस्टोमेटा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। बट बिफोर दैट, आप सभी को जो है बैठ के सिर्फ मैडम का लेक्चर नहीं सुनना है, आप सभी को नोट्स बनाते जाने हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड मेक श्योर, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आप मार्क करते जाओ। ओके तरुण, है ना, एंड फटाफट से शेयर भी कर दो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में बच्चों। अच्छा, नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा, तो बच्चों यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्यों इन्हें बोला जाता है ट्यूनिकेटा? क्योंकि इनके पास होता है ट्यूनिसिन का कवरिंग। ओके, ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन क्या है? व्हाट इज ट्यूनिसिन? ये ट्यूनिसिन इज अ सेल्यूलोस लाइक कंपाउंड जो कि इनके बॉडी को कवर करता है, इसलिए हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं हर्डमैनिया, हर्डमैनिया, एसीडिया, डोलियोलम। ये सारे नाम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, डोलियोलम एंड साल्पा। ओके, सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। ओके, पीडीएफ नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है जे? पीडीएफ मैंने भेजा है अभी तक, दोनों जो लेक्चर्स हुए हैं उन दोनों की पीडीएफ मैंने अपने दोनों टेलीग्राम चैनल पे, ग्रेड अप नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं। अगर आपको नहीं मिला है प्लीज 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 गो थ्रू इट एंड ढूंढो, उसमें थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैंने सारे पीडीएफ्स भेजे हैं, ठीक है, आज के भी मैं भेजूंगी। मे बी आज नहीं भेज पाती हूँ बट नेक्स्ट डे मैं जरूर भेज देती हूँ। ओके बच्चों, तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा का नाम हर्डमैनिया, एसीडिया, डोलियोलम, साल्पा, ठीक है। नोटोकॉर्ड कहाँ होता है बच्चों? इनमें नोटोकॉर्ड होगा इन लार्वल टेल, लार्वल टेल में। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द एडल्ट। मतलब लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है? लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है, एडल्ट उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, एडल्ट मोटाइल भी नहीं है, एडल्ट के पास नोटोकॉर्ड भी नहीं है। इसका मतलब है ये शो करता है
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म क्या शो करता है? मेटामॉर्फोसिस क्या शो करेगा? ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इसका मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो सीधे होने की जगह उल्टा हो रहा है, मतलब लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है एंड एडल्ट कम डेवलप्ड है. तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड. यस, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है एंड ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको लिखा रही हूँ ना बेटा, यही पूछे जाएंगे आपसे नीट में. यस शिखा, इंद्रजीत, गुड. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनमें एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. वैसे तो अगर आप बात करो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉर्डेटा ही एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है, और इस पे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है नीच में. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सीलोम तो बेटा रहता है, सीलोम रहेगा इंद्रजीत, सीलोम विल बी देयर इन ऑल कॉर्डेटा. ओके, सो नेक्स्ट इज बच्चों सेफेलोकॉर्डेटा. नेक्स्ट इज सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलोकॉर्डेटा और इसका एग्जाम्पल है, बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रैंकियोस्टोमा. ब्रैंकियोस्टोमा या जिसको हम बोलते हैं एम्फीऑक्सिस. एम्फीऑक्सिस या जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? लैंसलेट. लैंसलेट क्यों? क्योंकि इसका बॉडी जो है इस तरह से दोनों तरह से पॉइंटेड होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? लैंसलेट बोलते हैं बेटा, ठीक है. नाउ सेफेलोकॉर्डेटा में जैसे मैंने बताया कि इनके पास भी नोटोकॉर्ड होता है और ये नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक जाता है. वेरी गुड, यस वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों. गुड इवनिंग ज्योति, गुड आशीष, शिखा. तो इनके पास क्या होगा? नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इन एडल्ट फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, इन एडल्ट. अच्छा ये तो लिख दिया हेड टू टेल, समझ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे अबाउट यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. होप अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है. लैम्प्रे, लैम्प्रे यहाँ पे नहीं आया है, लैम्प्रे आगे आएगा. अच्छा सी स्क्वाड किसे बोला जाता है? सी स्क्वाड बोला जाता है हर्डमैनिया को. ओके, एसीडिया को भी बोल सकते हैं. तो यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो नोन एज सी स्क्वाड एंड नॉट 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 लैम्प्रे. यस, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होता है फ्लेम सेल्स. यस, गुड इवनिंग जीके. चलो नॉट एग्जैक्टली फ्लेम सेल्स, यू कैन से प्रोटोनेफ्रीडिया. ओके, दे हैव प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म. सो दे हैव प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन. अच्छा किसमें होता है और प्रोटोनेफ्रीडिया, बताएंगे बच्चे मेरे किसके पास होगा? हाँ ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हाइड कर लेती हूँ अपने आप को. यार अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया, चलो हो गया तो आगे बढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डिटेल में वर्टिब्रेटा को, ठीक है. तो वर्टिब्रेटा जिसको आप क्रेनिएटा भी बोलते हो, जिसके पास क्या है? वर्टीब्रल कॉलम है. ये वर्टीब्रल कॉलम बेटा कार्टिलेज का भी हो सकता है, ये वर्टीब्रल कॉलम
कार्टिलेज का भी हो सकता है और ये वर्टिब्रल कॉलम बोनी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटो नेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स बच्चों प्रेजेंट होता है फ्लैट वॉर्म्स में एंड ना कि नेरिस में और ना कि एनेलिडा में। कल का लेक्चर ध्यान से जाके पढ़ो, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था फ्लेम सेल्स आर प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि आपको फ्लैट वॉर्म्स में मिलेंगे। सिर्फ नेफ्रीडिया पूछा जाए तो वो एनेलिडा में मिलेगा। वेरी गुड, रोटिफर्स प्लैटिहेलमिंथ्स हैव फ्लेम सेल्स, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन, किसमें? नीट में। और वो क्वेश्चन क्या है? दैट ऑल वर्टिब्रेटा ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है बट इसी तरह के सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा होंगे बट सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे। ऑब्वियस सा बात है, अभी आपने देखा कि कॉर्डेटा तो प्रोटोकॉर्डेटा भी होता है जो कि वर्टिब्रेटा तो नहीं होता है, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है। यस इंद्रजीत, हाय दिलीप मोदी। तो वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन होंगे बच्चों, एक है एगनाथा, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है, दो हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा। गनाथा मतलब होता है जॉ एंड ए मतलब होता है नहीं। तो इनके पास जॉ मैक्सिला मैंडिबल नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज गनाथोस्टोमेटा जिनके माउथ में होता है जॉ, इनके पास होता है जॉ मैक्सिला एंड मैंडिबल। जैसे मैंने बताया गनाथा मतलब जॉ एंड स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, ठीक है, याद रहेगा सभी को ना। नेक्स्ट, देर आर, अगर हम बात करें एगनाथा की तो उसका एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब है सर्कुलर, सर्कुलर। स्टोमेटा मतलब माउथ, बार बार मैंने बताया है। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर सक्टोरियल माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या होते हैं ये? एक्टोपैरासाइट, ओके, याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर एक्टोपैरासाइट, ओके। नाउ इसमें क्या आता है, कौन आते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, सो डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट, ग्नाथोस्टोमेटा को भी हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस, पाइसेस मतलब फिशेस। एंड टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, ठीक है। पाइसेस भी दो क्लास में हम डिवाइड करेंगे, एक है कॉन्ड्रिक्थाइस जिनमें होता है कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन एंड एक होते हैं ऑस्टिक्थाइस। ऑस्टियो, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। तो ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बोनी है उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिक्थाइस, ठीक है। अब मैं तो बंगाली हूँ, मुझे तो बोनी फिशेस बहुत पसंद है बेटा, है ना, लेबियो रोहिता एंड कातला कातला। नेक्स्ट इज टेट्रापोडा, दैट इज चार लेग वाले ऑर्गेनिजम्स। एंड इसमें आते हैं क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। एक्टोपैरासाइट का क्या मतलब है बेटा? एक्टोपैरासाइट का मतलब है दैट दे आर अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ अ बिग फिश, ठीक है। ये पैरासाइट है, ये जो है अपने नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन के लिए एक बड़ी फिश के बॉडी से अटैच रहते हैं बॉडी के बाहर और वहां से जो है वो न्यूट्रिशन सक करते हैं और इन्हें बोला जाता है एक्टोपैरासाइट, ओके बच्चों। यस रवि, गुड इवनिंग बेटा, ओके। Now,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब साइक्लोस्टोमेटा से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है सबसे पहले इसके एग्जांपल्स। कौन से है इसके एग्जांपल्स? पेट्रोमाइजन, जिन्हें हम प्यार से लैम्प्रे बुलाते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज लैम्प्रे। ठीक है, हाँ बिल्कुल खाती हूँ फिश। एंड नेक्स्ट इज बेटा मिक्सिन। ओके, मिक्सिन जिन्हें हम प्यार से क्या बुलाते हैं? हैग फिश। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट नीट। ओके, नाउ रिमेम्बर, पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे की अगर हम बात करें ना, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे आर मरीन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट माइग्रेट टू फ्रेश वॉटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब तो सबसे पहले हम समझेंगे, स्पॉनिंग का मतलब है एग लेइंग। एग लेइंग मतलब ये रहते हैं सी में, बट ये अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस बिहेवियर। क्या बोला जाता है इस तरह के बिहेवियर को? एनाड्रोमस बिहेवियर। बट आपको याद रखना है कि ये एनाड्रोमस बिहेवियर कौन शो करता है? सिर्फ और सिर्फ पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे शो करता है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एक साल जिस दिन जिस बार नीट 2 बार हुई थी, उस सेकेंड टाइम में ये पूछा गया था बेटा कि थोड़ा 5 साल पहले, कि एनाड्रोमस बिहेवियर या कौन शो करता है, कौन सी फिश माइग्रेट करती है फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। एंड ऑप्शन में दोनों थे बच्चों, पेट्रोमाइजन भी था, मिक्सिन भी था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पेट्रोमाइसिन, जो कि क्लियरली आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई प्लीज 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 नोट दिस डाउन। ओके दिव्या, हेलो दिव्या, हेलो आशीष। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? बेटा इस तरह का बिहेवियर हम बोलते हैं एनाड्रोमस। ठीक है, एनाड्रोमस बिहेवियर एंड दिस इज शोन बाय पेट्रोमाइसिन। मैं यहां पर लिख दूंगी, ये सिर्फ पेट्रोमाइजन शो करता है बेटा, है ना, मिक्सिन नहीं शो करता है। सो प्लीज प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, अपने अपनी एनसीईआरटी में लिख लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस फिर से दोहराए गए तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है इस साइक्लोस्टोमेटा वाले क्लास से, वो है द पेयर ऑफ गिल्स। इनके पास 6 से 15 ओके पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाले स्टेटमेंट में भी आ सकता है। हाय आदित्य, सो दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। दे हैव सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ विदाउट जॉ। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब ही यही है। एंड इनके बॉडी में स्केल्स नहीं है, नो स्केल्स ऑन देयर बॉडी, नो स्केल्स ऑन देयर बॉडी। एंड फिन्स भी कैसे हैं? पेयर्ड फिन्स है, पेयर्ड फिन्स है। ठीक है, इनके पास पेयर में फिन्स होंगे बच्चों। ओके एंड इनके पास स्केल्स भी नहीं होंगे। एंड इनका वर्टिब्रल कॉलम, एंड इनका वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा? कार्टिलेज का बना हुआ होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर जो है समराइज कर दिए हैं। एक्टोपेरासाइट एक और मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ताकि आप अपने एनसीईआरटी में लिख लो बच्चों। याद रखो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं बट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो नोट डाउन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलिए, नोट कर लिया, वेरी नाइस बच्चों। एंड प्लीज शेयर कर दो यार सेशन को, मुझे इतने कम बच्चे आते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डेली 5 बजे आ जाया करो, कल भी पढ़ के आना ये चैप्टर। हम लोग जो है मेंटी क्विज लेंगे। लिख लिया सभी ने? यस, पेयर्ड फिन्स बेटा, पेयर्ड
फिन्स जो है नहीं होते हैं, नो स्केल्स एंड नो पेयर्ड फिन्स, नो स्केल्स एंड नो पेयर्ड फिन्स, याद रखो, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, मतलब पेयर्ड फिन्स भी नहीं है एंड बॉडी में स्केल्स भी नहीं है, ये बात जो है ध्यान में रखना, यहाँ पर जो है मैंने ठीक से आपको बताया नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड एवरी वन, नो पेयर्ड फिन्स एंड नो स्केल्स इन देयर बॉडी। चलिए नेक्स्ट इज कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस मतलब ऐसी फिशेस बच्चों जिनके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बना होता है कार्टिलेज का। हेलो अरविंद, ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्टाइस जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं प्यार से, कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर ऑल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। चलो अब इनके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो गिल स्लिट्स हैं, इनके जो गिल्स हैं उसके ऊपर ऑपरकुलम या गिल कवरिंग नहीं होता है, तो दे डोंट हैव एनी ऑपरकुलम और गिल कवरिंग, कोई गिल कवरिंग नहीं होगा। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड किस तरह के स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड, प्लेकोइड स्केल्स, है ना। प्लेकोइड स्केल्स की क्या स्पेशलिटी है, ये है लाइक टीथ, ठीक है, जैसे आपके दांत होते हैं ना, दांत के ऊपर सबसे ऊपर इनेमल होता है, फिर उसके नीचे जो है डेंटिन होता है, फिर अंदर की तरफ पल्प होता है, तो सेम स्ट्रक्चर होता है इन प्लेकोइड स्केल्स का, ठीक है। एंड यही प्लेकोइड स्केल्स जो है आगे चल के डेवलप होते हैं इंटू देयर टीथ, ओके, अंडरस्टूड, यस अरविंद, वेरी गुड, दे आर ऑल्सो मरीन, तो ये भी जो फिशेस हैं ये भी क्या है, मरीन है बेटा, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, ओके, तो ये भी हम पॉइंट जो है लिख लेंगे। नाउ रिमेम्बर, एयर ब्लैडर इनके पास नहीं होता है, ठीक है, वो एयर ब्लैडर बच्चों जो आपके बोनी फिशेस को लाइट बनाता है, मतलब ये स्विमिंग भी नहीं करे, बोनी फिशेस की बात कर रही हूँ, अगर वो स्विमिंग भी नहीं करे तो भी फ्लोट करते हैं, वैसा इनके साथ नहीं होता है। अरे अबे मैथ्स नहीं बेटा, बायो वाले बच्चे आया करो यार, मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ मैं। यस, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दैट मीन्स अगर ये स्विमिंग नहीं करेंगे, स्विम नहीं करेंगे तो ये क्या सिंक हो जाएंगे, ये जो है डूब जाएंगे, ओके, सो दे डोंट हैव एयर ब्लैडर्स, ओके, सो आई विल राइट इट हियर, नो एयर ब्लैडर, फाइन। अच्छा कुछ भी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो आप याद कर सकते हो शार्क को, ठीक है, शार्क दैट इज डॉग फिश और दैट इज स्कॉलीडॉन, तो स्कॉलीडॉन को डॉग फिश क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हैव इमेंस पावर ऑफ स्मेल, उनके पास एक बहुत ही खतरनाक पावर होता है स्मेल का, जैसे डॉग में होता है, ओके, एंड दे ऑल्सो हैव अ स्नाउट लाइक अ डॉग, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज डॉग फिश, ओके। अच्छा मेल, अगर हम शार्क का बात करें तो मेल शार्क में क्लास्पर्स होते हैं, क्लास्पर्स आर कोप्यूलेटरी ऑर्गन्स जो हेल्प करता है फॉर कॉप्यूलेशन, ओके, याद रखना है, सो मेल शार्क में होंगे क्लास्पर्स, ओके, एंड यस दे आर पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स, तो पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं बच्चों, पोइकिलोथर्म्स बेटा वो फिशेस हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, एंड देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है। इसके ऑपोजिट होते हैं बेटा होम्योथर्म्स, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये फिशेस क्या है, पोइकिलोथर्म्स, एंड इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है इन नीट, सो आई विल मार्क स्टार, ओके। नाउ रिमेम्बर, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस कॉन्ड्रैक्टाइल्स में जिनके पास होता है पॉइजन स्टिंग, दैट इज ट्राइगन, या इलेक्ट्रिक ऑर्गन दैट इज टॉर्पीडो, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, ओके, इनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ दो चैम्बर होते हैं, दे हैव टू चैम्बर्ड है हार्ट, नॉट लाइक दिस,
एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, एक एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल विल बी देयर इन देयर हार्ट लाइक दिस. ओके ओके, टू चैम्बर्ड हार्ट विल बी देयर. अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोनी फिशेस बच्चों. ओके, स्टेनॉइड एंड गेनॉइड स्केल्स आर देयर इन बोनी फिशेस बेटा. इनमें सिर्फ प्लेकोइड स्केल्स होगा. ओके बच्चों, इनमें सिर्फ प्लेकोइड स्केल्स होगा. ठीक है, अच्छा सुनो अभी. रिमेंबर ऑलवेज, जब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की तो इनमें फर्टिलाइजेशन बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है. एंड दिस इज नॉट द केस विथ बोनी फिशेज. बोनी फिशेज में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल होता है. याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं, टेनॉइड नहीं बच्चा, टेनॉइड गेनॉइड ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेज. एग्जाम्पल कार काराजॉन, दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क, नीट का फेवरेट क्वेश्चन. ट्राइगॉन, स्टिंगरे, प्रिस्टस, सॉफिश एंड स्कॉलिडॉन डॉगफिश. तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना फोटोज स्कॉलिडॉन के और प्रिस्टस के, तो उसको ध्यान में रखना है क्योंकि सिर्फ फोटो दिखा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट इज बच्चों ऑस्टिक थाइस. ऑस्टिक थाइस का मतलब है बोनी फिशेस. ठीक है, अब जो जो हमने कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ाना वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें उल्टे होते हैं, याद रखना है. ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें उल्टे होते हैं? सबसे पहले तो इनके पास ऑपरकुलम होता है, दे हैव ऑपरकुलम. ठीक है, ऑपरकुलम दैट इज गिल कवरिंग विल बी प्रेजेंट. ठीक, के अलावा स्केल्स देखो, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड एंड गेनॉइड, इस तरह के स्केल्स सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में होते हैं. प्लेकोइड स्केल होता है सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस में. ठीक है, एयर ब्लैडर तो इनके पास होता है, एयर ब्लैडर इनके पास होता है. दैट मींस अगर ये स्विमिंग ना भी करें तो भी ये फ्लोट करते रहेंगे. हार्ट इनमें भी टू चैम्बर्ड होता है. एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, बट फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होगा? एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बच्चों. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे आज. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पे अटेंशन, रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉट आई एम टीचिंग. जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. ठीक, अच्छा. एंड दे आर ओवीपैरस. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसको आपको याद में रखना है. क्यों क्यों याद में रखना है? क्योंकि हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस तो वीवीपैरस होते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखूंगी दैट हमारे कार्टिलेजिनस, हमारे जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं वीवीपैरस. इसलिए ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है. तो जहां भी आपको जो है, जहां भी आपको बच्चों एक्सेप्शन नजर आए ना, तो उस एक्सेप्शन को आप नोट डाउन कर लोगे क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नीट में. क्लियर? समझ गए सभी बच्चे? नाउ हिप्पोकैम्पस यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे आप बोलते हो सी हॉर्स. ठीक है, तो जो सी हॉर्स है इसके पास होता है एक ब्रूड पाउच. क्या होता है बेटा? ब्रूड पाउच, जिसमें क्या करता है? मेल हिप्पोकैम्पस एग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है टिल दे हैच. और इनके पास एक स्पेशल तरह की टेल भी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रीहेंसाइल टेल. प्रीहेंसाइल टेल का मतलब है गिरगिट के जैसी टेल. ठीक है, इस तरह की टेल जो कुछ भी पकड़ सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीहेंसाइल टेल. ओके ओके बच्चों, नाउ एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट. मरीन बोनी फिशेस, एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स,
फ्रेश वाटर फिश में है लेबियो एंड कातला, क्लैरियस दैट इज मागुर, एक्वेरियम स्पीशीज है बेटा दैट इज फाइटिंग फिश, या टेरोफाइलम दैट इज एंजल फिश। ठीक है, और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यस, कार्टिलेजिनस फिशेज आर विवीपर्स। वेरी गुड। ओके बच्चों, होप सब समझ में आ रहा है एंड देर इज नो कंफ्यूजन। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लो। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्लास एम्फीबिया। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो कि मैं हमेशा पूछती हूँ कि एम्फीबियंस कौन होते हैं, है ना, तो आप क्या बोलोगे? एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, है ना। सबसे पहला आंसर यही आएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। एम्फीबियंस वो होते हैं जिनको अंडे देने के लिए, एग देने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे आपको रेप्टाइल्स भी मिलेंगे जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, बट उन्हें हम एम्फीबियंस नहीं बोलते हैं बच्चों। ओके, तो कौन होते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको चाहिए होता है पानी, दैट नीड्स वाटर, दैट नीड्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जिनको पानी चाहिए होता है, भले ही वो सारा टाइम लैंड पे रह ले। समझ गए? तो ये होते हैं एम्फीबियंस, ना कि वो जो पानी पे भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ रिमेम्बर, ये जो छिपकली जैसा प्राणी नजर आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज नॉट छिपकली, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सैलामेंड्रा। ठीक है, या सैलामेंडर। ठीक है, इसका डायग्राम आप देख के रखो अच्छे से, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है नीट में। दिस ऑर्गेनिज्म इज आस्क्ड इन नीट। ठीक, इनके बॉडी में सिर्फ हेड एंड ट्रंक होता है एंड इनके बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं। नो स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड देयर स्किन इज मॉइस्ट। ओके, देयर आर नो स्केल्स ऑन देयर स्किन एंड देयर स्किन इज मॉइस्ट। यस, वेरी गुड शिका। दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, इनके पास होता है सुनने के लिए टिम्पैनम। टिम्पैनम मतलब कान के पर्दे। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कान के पर्दे होते हैं। दैट मीन्स दे कैन हियर, ओके, विद द हेल्प ऑफ टिम्पैनम। क्लोएका इज देयर, दे हैव क्लोएका। क्या होता है क्लोएका बच्चों? क्लोएका का मतलब है एक ऐसा चैम्बर विच इज अ कॉमन चैम्बर फॉर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम। तो क्लोएका जो है ये थ्री इन वन चैम्बर होगा। क्लोएका इज अ थ्री इन वन चैम्बर। ओके, सो दिस इज क्लोएका विच इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। तो ये क्या है बच्चों? क्लोएका है जो कि एलिमेंट्री कैनाल भी है या डाइजेस्टिव कैनाल का भी कॉमन चैम्बर है, जो कि यूरिनरी सिस्टम का भी कॉमन चैम्बर है एंड जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कॉमन चैम्बर है। ओके, नाउ रेस्पिरेशन के लिए तो इनके पास गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है। तो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। Isn't it, बच्चों? Please note this down. Amphibians का excretory product क्या होता है बेटा? यूरिया। ओके, यूरिया होता है इनका, सॉरी, अमोनिया होता है इनका excretory product। बट अगर हम फ्रॉग्स का बात करें तो इनमें डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, दैट मीन्स दे एक्सक्रीट अमोनिया एज वेल एज यूरिया। तो मैं यहाँ पर ना अमोनिया लिखूंगी, अमोनिया के साथ जो है मैं यूरिया भी लिखूंगी। ठीक है, तो एम्फीबियंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? अमोनिया होगा। ठीक है, अमोनिया होगा एंड अमोनिया के साथ साथ होगा यूरिया जब इनको पानी नहीं मिलता है। सो दे हैव ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड,
जिसे हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म्स होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है एंड इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बफो या टोड, राना टिग्रीना या फ्रॉग, हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग। ये ना नीट का क्वेश्चन है। सेलामेंड्रा या सेलामेंडार, इक्थियोफिस या लिम्बलेस एम्फीबियन। हाइला जो है बेटा पूछा जा चुका है, आपको मिलेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके चलिए, इसी के साथ लेट्स सी द नेक्स्ट क्लास ऑफ योर ग्रेथोस्टोमेटा एंड दैट इज यस नाइट्रोजन फॉर्म। बेटा ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। अमोनिया भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया भी और यूरिक एसिड भी। ठीक है, तो अमोनिया एंड या यूरिया हो सकता है एम्फीबियंस का नाइट्रोजनस वेस्ट। हम आगे चल के ना इसको टेब्यूलर फॉर्म में भी देखेंगे और उस टेबल के आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, बहुत काम आएगा आपको। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स। ओके मतलब जो क्रीप या क्रॉल करके चलते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स मतलब एम्फीबियन टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स है जो एक्चुअली एम्फीबियन नहीं है, जिनके पास है ड्यूअल मोड ऑफ हैबिटेट, दैट मीन्स जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, बट दे आर नॉट एम्फीबियन। इनका स्किन का अगर हम बात करें तो इनका स्किन है ड्राई ड्राई कॉर्निफाइड कॉर्निफाइड एंड विदाउट ग्लैंड विदाउट ग्लैंड स्किन। ठीक है, तो इनके स्किन में ग्लैंड भी नहीं है, स्किन ड्राई भी है एंड कॉर्निफाइड भी है। टिम्पैनम तो बच्चों इनके पास भी है, टिम्पैनम तो इनके पास भी है। अच्छा, इनका हार्ट कितने चैम्बर्ड है बेटा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्ट फॉर क्लास नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, बट बाकी सभी में कितने होते हैं? थ्री चैम्बर्ड हार्ट, दैट मीन्स टू ऑरिकल्स ओके एंड वन वेंट्रिकल। फाइन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मोस्टली दे आर ओवीपेरस। ये क्या है? मोस्टली ओवीपेरस या एग लेइंग जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इन सभी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर इम्पॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। चिलोन या टर्टल, भूल जाते हो आप। चिलोन कौन है? चिलोन है टर्टल। टेस्टूडो कौन है? टोर्टाइज चॉर्चिस। कैमिलियन, कैमिलियन कौन है? ट्री लिजार्ड। कैलोट्स कौन है? गार्डन लिजार्ड। एलिगेटर्स। हेमीडेक्टाइलस कौन है? वॉल लिजार्ड, वो छिपकली जो आपको वॉल से जो है घूरती रहती है, जिसको देख के मुझे तो बहुत डर लगता है। एंड पॉइजनस स्नेक कौन से है बेटा? नाजा दैट इज कोबरा, क्रेच या बंगारूस एंड वाइपर। ठीक है, नाउ रिमेम्बर चीलोन पूछा गया है, टेस्ट्यूडो पूछा गया है एंड हेमीडेक्टाइलस पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रेप्टाइल नॉन पॉइजनस है तो आपका आंसर होगा हेमीडेक्टाइलस। ओके, सो हेमीडेक्टाइलस इज नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। ओके, याद रहेगा सभी को, भूलेंगे नहीं ना बच्चे। चलिए, इसी के साथ हम देखते हैं एव्स को। एव्स मतलब क्या? उड़ने वाली बर्ड्स। ठीक है, एव्स मतलब बर्ड्स। ठीक है, जैसे कि कबूतर। ठीक, तो एव्स या बर्ड्स, तो इन पे काफी सारे क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है, नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ राइट नाउ, एट प्रेजेंट आई एम इन इंदौर एमपी। वैसे तो मैं हैदराबाद में रहती हूँ बट अभी मैं एमपी में हूँ। ओके, सो
कमिंग टू एव्स या बर्ड्स, सबसे पहले ये याद रखना है बेटा, एव्स में ऐसे मॉडिफिकेशंस होंगे जिसके वजह से वो उड़ पाए, उनका बॉडी लाइट रहे, ठीक है? तो ऐसे मॉडिफिकेशंस होंगे एव्स में जो पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, जैसे कि इनका जो बोन है, इनका बोन या एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी है, एक तो फुल्ली ऑसिफाइड है, एंड इसके अंदर क्या है, एयर स्पेसेस हैं जिसे आप बोलते हो न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है? इनके जो बोन्स हैं वो हॉलो हैं, उसके अंदर एयर भरा है ताकि उनका वेट जो है लाइट हो जाए, एंड ये मॉडिफिकेशन सिर्फ उसी बर्ड्स में है जो उड़ पाते हैं। फ्लाइट वाले बर्ड्स में ही सिर्फ ये मॉडिफिकेशंस होंगे। जो नॉन फ्लाइट बर्ड्स हैं लाइक ऑस्ट्रिच, लाइक कीवी, ईमू, जो उड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बर्ड्स में ये मॉडिफिकेशंस एडेप्टेशंस नहीं होंगे बच्चों। ओके, यस रुचि। एक स्टेटमेंट लिखूंगी जिसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नीट में, दैट देयर एंडोस्केलेटन, देयर एंडो स्केलेटन दैट मीन्स देयर बोन्स आर फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली ऑसिफाइड बोनी है एंड हैव एयर स्पेसेस या एयर कैविटीज। ओके, एंड इस तरह के बोन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमो का मतलब होता है बच्चों एयर, न्यूमो का मतलब क्या होता है, एयर। सिमिलरली सिरिंग्स, सिरिंग्स क्या है बेटा, इनके लैरिंग्स में एक डिफरेंट टाइप का अडेप्टेशन होता है जिसके वजह से हम इनके लैरिंग्स को लैरिंग्स नहीं बोल के वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सिरिंग्स, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्यारी प्यारी आवाजें निकालते हैं। एंड ये भी सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट बर्ड्स में होगा। तो जो भी ये मॉडिफिकेशन मैं बता रही हूँ ना, ये सारे अडेप्टेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट बर्ड्स में होगा, दैट इज सिरिंग्स। ओके ओके, दिस इज देयर लैरिंग्स, उनका वॉइस बॉक्स है जिसके थ्रू ये बहुत प्यारी प्यारी आवाजें निकालते हैं। यस, दे हैव गिजार्ड एंड क्रॉप, वेरी गुड। द डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप जो है बच्चों वो स्टोरेज में हेल्प करता है, एंड गिजार्ड जो है वो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है? याद रहेगा ना, ये पूछा गया है नीट में, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर होमियोथर्म्स, दे आर होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स का मतलब दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो दे आर होमियोथर्म्स, होमियोथर्म्स, ओके? याद रहेगा सभी को, दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक? नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज दे हैव एक्सटर्नल एयर सैक्स। तो इनके लंग्स में एक्सटर्नल एयर सैक्स होते हैं, इनके या यू कैन से एक्सटर्नल एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू देयर लंग्स, जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स इन देयर रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, सो दे हैव एयर सैक्स, दे हैव एयर सैक्स विच इज कनेक्टेड टू देयर लंग्स, और ये हेल्प करता है इनको रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करेगा ये इनको, रेस्पिरेशन में। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप लिख लोगे, कोर्वस दैट इज क्रो, कोलंबा दैट इज पिजन। अच्छा, कौन से पूछे जाते हैं वही मैं आपको स्टार लगा दूंगी। स्टैक्यूला पूछा जाएगा दैट इज पैरट, स्ट्रूथियो पूछा जाएगा दैट इज ऑस्ट्रिच। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये सब पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, स्पेशली न्योफोरॉन दैट इज वल्चर, वल्चर या न्योफोरॉन, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, सेटैक्युला इज पैरट, एंड पावो, पावो इज पिकॉक, ठीक है? इसके अलावा आपसे एप्टिनोडाइट दैट इज पैंगुइन भी बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो एप्टिनोडाइट, न्योफोरॉन, स्ट्रूथियो एंड सेटाक्यूला, ये नाम तो आपको नहीं भूलने हैं, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहता है, ठीक है? एंड यस,
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे ऑल्सो देयर बॉडी इज कवर्ड विद, देयर बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स एंड दे हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग. ठीक है, इनका स्किन कैसा है बेटा? स्किन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल ऑयल ग्लैंड जिसको आप बोलते हो प्रीन ग्लैंड. ठीक है, तो ये भी नीट का क्वेश्चन है. तो ये ऑयल ग्लैंड का नाम क्या है? प्रीन ग्लैंड, जो टेल के नीचे होता है. बाकी इनके पूरे स्किन पे कोई भी ग्लैंड नहीं 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 होता है. ये है आपका क्वेश्चन नीट का. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके बच्चों, समझ गए? चलिए नाउ द नेक्स्ट इज मैमेलिया. अभी जाना नहीं है यार, जाओ मत. अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो चार्ट्स आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में. ठीक है, टुगेदर विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास इज मैमेलिया या मैमल्स. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं ओके जो एग ले करते हैं, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास पाउच होते हैं, एंड कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो वीवी पैरस होते हैं. यस, फोर लिम्स आर फॉर्म्ड इनटू विंग्स. बेटा ये तो ऑब्वियस है. क्रेनियल नर्व्स एंड ऑल वी आर डिस्कसिंग, डोंट वरी. सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन चार्ट्स में. ठीक है, तो इन चार्ट्स में जो है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चार्ट आप सभी के लिए फॉर योर रिविजन. ओके, कौन सा ग्लैंड है? प्रीन ग्लैंड, PREEN. तो मैमल्स तीन तरह के होते हैं बच्चों. ओके, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. प्रोटोथीरिया मतलब एग लेइंग मैमल्स, मेटाथीरिया मतलब पाउच्ड मैमल्स, एंड यूथीरिया मतलब ट्रू मैमल्स. ओके बच्चों, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर अगर आपसे पूछा जाए मैमल्स का क्या है, तो इनके पास होते हैं बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. ओके, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन इनमें प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर रहेगा मेमोरी ग्लैंड्स. सभी मैमल्स के पास में मेमोरी ग्लैंड होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन. ठीक है, इसके अलावा वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर होगा, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, इसके अलावा डायफ्राम होगा, और ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी में लैगिंग होंगे. ये वीवी पैरस है तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए ट्रू नहीं होगा. एक ही कैरेक्टरिस्टिक जो सबके लिए ट्रू होगा वो है मेमोरी ग्लैंड. ओके बच्चों, नाउ अच्छा तो ये देख लो, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, अच्छा बॉडी हेयर इज देयर. ओके, बॉडी हेयर भी इनका यूनिक फीचर है बट सभी के लिए ट्रू नहीं है, याद रखो. ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज देयर बट अगेन सभी के लिए ट्रू नहीं है. टीथ है इनके पास में, अगेन सभी के लिए ट्रू नहीं है. चार चैम्बर्ड हार्ट है, हाँ ये जरूर सभी के लिए ट्रू है. दे आर होम्योथर्म्स, दैट मीन्स दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, एंड दे आर वीवी पैरस, बट यस ओवी पैरस भी है. तो ओवी पैरस कौन है बच्चों? ओवी पैरस एक तो है आपका प्लैटिपस जिसको हम बुलाते हैं, ऑर्निथोरैंकस या प्लैटिपस. इसके साथ में हो सकता है एकिडना. एकिडना क्या है? यह है स्पाइनी एंट ईटर. ओके, ये जो है आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है बट ये भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? हाँ, डायफ्राम भी होगा, बॉडी हेयर भी होगा, ईयर पिना भी होगा, टीथ भी होगा, बट इन सभी के एक्सेप्शंस है बच्चों. वीवी पैरस भी है बट अगेन विथ एक्सेप्शंस. ठीक है, सो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सभी में कॉमन है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, याद रहेगा. ठीक है, और ऑर्निथोरैंकस तो प्लैटिपस है, डक बिल्ड प्लैटिपस, प्लैटिपस पेरी जिसका कार्टून आप लोग देखते होंगे. ठीक, नाउ टेकीग्लॉसिस. यस, टेकीग्लॉसिस इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ एकिडना. व्हाई इट इज नोन एज टेकीग्लॉसिस? क्योंकि इसका जो
इसका जो टंग है वो स्टिकी है, लंबा है, वो उस टंग से जो है एंट पकड़ता है और खाता है, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज टैकी ग्लॉस। वेरी गुड आशीष। नाउ ठीक है, एकिडना एंड प्लैटिपस ओविपैरस, बाकी सारे विविपैरस। तो ऑर्निथोरिन्कस आपको याद में रखना है, मैक्रोपस या कैंगरू आपको याद में रखना है, दिस इज अ मेटाथीरिया या पाउच मैमल्स है। देन यू हैव टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क करूंगी। इसके अलावा लावा लावा आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ डेल्फिनस या डॉल्फिन। डॉल्फिन कोई फिश नहीं है बच्चों, डॉल्फिन एक मैमल है। बेलेनोप्टेरा आपसे पूछा जाएगा, दैट इज ब्लू व्हेल। ठीक है, तो जहां जहां मैंने एग्जाम्पल में स्टार मार्क किया है वो जो है आपकी वो जो है आपकी पत्थर की लकीर है जो आपको याद रखना है, फर्नी, दीज आर नीट वॉम्बर्स। ओके नाउ यस, ऑर्निथोरैंकस इज कनेक्टिंग लिंक बेटा, राइट? तो ये जो मैंने पांच एग्जाम्पल्स आपको मार्क करके दिए हैं, ऑर्निथोरैंकस, मैक्रोपस, टेरोपस, डेल्फिनस या डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा या ब्लू व्हेल, ये आपको याद रखना है बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन नीट। चलिए अब आया आज के इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है टेबल्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। इन सभी के स्क्रीनशॉट आपको लेके रखने हैं, ये आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक है? नॉन कॉर्डेटा का टेबल तो आपको मिला होगा एनसीईआरटी में, बट कॉर्डेटा का टेबल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। प्लीज कीप दिस इन माइंड, कीप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। ओके चलिए, हेलो मनोज, सबसे पहले बात करते हैं पाइसेस की। हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवन एव्स एंड मैमल्स के, हैबिटेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे, एक्सोस्केलेटन, बॉडी टेम्परेचर, टाइप ऑफ किडनी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सर्कुलेशन, हार्ट चैम्बर्स, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ईयर, स्कल, क्रेनियल नर्व, देन अल्टीमेटली वर्टीब्रा। तो ये सारे फीचर्स को हम ध्यान में रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, एव्स को और मैमल्स को। अच्छा, ऐसी सब बातें करोगे ना इमिडिएटली ब्लॉक कर दी जाओगे। तो मेरे पास मेरे लेक्चर में वही बच्चे आएंगे, ओके, जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड यस, प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए, सबसे पहले हम फिशेस की बात करते हैं, पाइसेस की बात करते हैं। तो फिशेस क्या है बेटा, इनका हैबिटाट होगा हमेशा एक्वेटिक, गिल्स होगा रेस्पिरेशन के लिए, स्केल्स होंगे इनके बॉडी में, ये पोइकिलोथर्म है, दैट मींस दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्प दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एंड किस तरह का किडनी होगा इनके पास बच्चों, मीजोनेफ्रिक किडनी होगा, दे विल हैव मीजोनेफ्रिक किडनी, विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन योर कॉर्डेट्स, राइट? नाउ एम्फीबियन का हैबिटाट जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पानी में भी रहते हैं एंड ये लैंड में भी रहते हैं, और पानी के बिना इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है, एग देने के लिए इनको पानी में जाना ही पड़ता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के लिए होता है इनके पास स्किन एंड लंग्स, एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक्सोस्केलेटन होता ही नहीं है, स्केल्स जो है होते ही नहीं है इनमें, प्लीज नोट दिस डाउन, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्म्स, एंड अगेन किडनी इनके पास सेम होती है जैसे फिशेज में होती है, दैट इज मीजोनेफ्रिक किडनी। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं, लंग्स होता है इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, एपिडर्मल स्केल्स होता है इनके पास, दे आर अगेन पोइकिलोथर्म्स, एंड किडनी भी इनमें सेम होगी। सब्सक्रिप्शन, कैन यू टेक सब्सक्रिप्शन, यू कैन स्टडी हियर ऑन यूट्यूब, है ना? सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन डिटेल विद मेंटी क्विजेस।
एब्स बेटा टेरेस्ट्रियल होते हैं या एरियल बोल सकते हैं, इनका हैबिटेट एरियल हो सकता है। लंग्स होते हैं इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, दे हैव फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी इंस्टेड ऑफ स्केल्स, एंड यस दे आर होमियोथर्म्स। तो मैमल्स एंड एब्स जो है वो होमियोथर्म्स है, दैट मीन्स दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एंड टाइप ऑफ किडनी भी इनमें सेम होता है बेटा, मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि थोड़ा एडवांस टाइप का किडनी हो सकता है, ठीक है, होता है। अगेन मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड हेयर्स एंड नेल्स आर देयर ऑन देयर स्किन। ओके बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट, फटाफट से एक स्क्रीन शॉट ले लो, मैं हाइड कर लेती हूँ खुद को, एंड दिस स्क्रीन शॉट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग कॉर डेटा। ओके चलो, इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाइसेस में मोस्टली अमोनिया होता है। ओके मोस्टली अमोनिया होता है, बहुत ही कम ऐसे फिशेस होते हैं जिनमें यूरिया होता है, यूजुअली कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो आई विल राइट इट डाउन, कार्टिलेजिनस फिशेस में बच्चों क्या होता है, यूरिया होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बाकी फिशेस में क्या होगा, बोनी फिशेस में क्या होता है बेटा, अमोनिया होता है। हेलो अभिलाष। ओके नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया में बेटा मेनली यूरिया होगा, रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड होगा, नीट का फेवरेट क्वेश्चन, एव्स में भी यूरिक एसिड होगा, एंड मैमल्स में होता है यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सही, मैं पीना मैम के साथ नहीं पढ़ी हूँ बेटा। सर्कुलेशन इज सिंगल इन पाइसेस, मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन इन एम्फीबिया, क्योंकि इनके पास तीन चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में भी मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन होता है, एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है एव्स एंड मैमल्स में। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ पाइसेस इज टू, एम्फीबियंस थ्री, रेप्टाइल्स थ्री, एंड एव्स एंड मैमल्स में चार। वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाइसेस में और एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है एंड वेल डेवलप होता है इन एव्स एंड मैमल्स में। रीनल पोर्टल सिस्टम बेटा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ज्यादा डेवलप होता है एंड आप देखोगे एव्स एंड मैमल्स में एब्सेंट होता है। ओके तो रीनल पोर्टल सिस्टम का जरूरत नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एव्स एंड मैमल्स। प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट, प्लीज 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 फटाफट से जो है स्क्रीन शॉट ले लो इस चार्ट का भी, ताकि आप इजिली जो है रिवाइज कर पाओ कॉर डेटा। ओके हाय मोगन, चलिए सो नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अभी हम ऑलरेडी ये सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं, अब इनको हम टेब्यूलर फॉर्म में जो है रिवाइज कर रहे हैं। इंटरनल ईयर होता है सिर्फ पाइसेस में, एम्फीबियंस में होता है इंटरनल एंड मिडल ईयर, रेप्टाइल्स में होता है कंप्लीट इंटरनल मिडल एंड आउटर ईयर विद ईयर विदाउट ईयर पिना, एव्स में जो है अगेन कंप्लीट ईयर होता है, तीनों चैम्बर्स होंगे बट ईयर पिना नहीं होगा, एंड मैमल्स में तीनों चैम्बर्स के साथ साथ एक्सटर्नल मिडल एंड इंटरनल ईयर के साथ साथ में ईयर पिना भी प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज स्कल। स्कल जो है मोनोकोंडाइलिक होता है पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड एव्स में, एंड स्कल जो है डाइकोंडाइलिक होगा इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे, ये क्या होते हैं कोंडाइल्स, कोंडाइल्स बोनी प्रोटर्बरेंस होते हैं। आपके स्कल में अगर दो तरह के बोनी प्रोटर्बरेंस होंगे तो इसे हम बोलते हैं कोंडाइल्स, दो होंगे तो डाइकोंडाइल, एक ही होगा तो मोनोकोंडाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है फिशेज में, रेप्टाइल्स में एंड एव्स में, एम्फीबियंस में और मैमल्स में होता है डाइकोंडाइलिक स्कल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्रेनियल नर्व्स सिर्फ फिशेस और एम्फीबियंस में होंगे 10 पेयर एंड रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स में होंगे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके ऐसे नर्व्स जो आपके
ब्रेन से निकलते हैं सीधे, उन्हें बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। ओके, वर्टीब्रा अगर हम बात करें स्पाइसेस में तो होता है एम्फीसीलस, दैट मींस देयर इज डिप्रेशन कॉनकेविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टीब्रा। प्रोसीलस होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, हेट्रोसीलस होता है एव्स में, एंड ए सीलस होता है मैमल्स में। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों मैं फिर से हाइड करूंगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिशेज में बेटा 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे, एंड रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स में हमेशा 12 12 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे। आपको याद रखना है डाइकोंडाइलिक स्कल जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियंस और मैमल्स में होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए चलो इसी के साथ जरा क्वेश्चन देखते हैं कुछ रिलेटेड टू कॉर्डेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू बेल एंड डॉग फिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन और वेल एंड डॉग फिश में क्या सिमिलैरिटी है, फटाफट बता दो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों। यार फटाफट से लाइक भी कर दो, जितने बच्चे प्रेजेंट है फटाफट से लाइक कर दो। कलाना मेंटिकुस के लिए 5 बजे ओनली ऑन ग्रेड अप न्यूज चैनल। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर ऑप्शन। क्रोकोडाइल पेंगुइन, क्रोकोडाइल रेप्टाइल, पेंगुइन इज अ फिश, वेल इज अ मैमल, डॉग फिश इज अ कार्टिलेजिनस फिश, एंड इसमें करेक्ट, हेलो संजय, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। वेरी गुड, दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, क्योंकि ये सारे क्या है बेटा कॉर्डेटा है, क्योंकि ये सारे क्या है कॉर्डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी एक्सेप्शन किसमें नहीं है। कॉर्डेट्स पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ, कॉन्ड्रिक्टाइल्स पोजेस कार्टिलेजिनस फिशेस, एंडोस्केलेटन, मैमेलियन गिव बर्थ टू यंग वंस, रेप्टिलियन पोजेस थ्री चेम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। हेलो प्रयागराज, चलिए बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज अ PYQ। बताओ कॉर्डेटा, कॉन्ड्रिक्टाइल्स, मैमेलियन, फ्रेप्टाइल, किसके बारे में एकदम करेक्ट लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ए बी आशीष सिंह, बी राजेश्वरी, बी अगेन आशीष, बी आश, बताइए और बताइए और बच्चे, कितने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत कम बच्चे जो आंसर कर रहे हैं चैट में। शिखा, बी, यस बच्चों करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। कॉन्ड्रिक्टाइल्स या कार्टिलेजिनस फिशेज में सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। कॉर्डेट में बेटा एक नाता भी तो होता है, एक नाता भी होता है तो ये एक्सेप्शन हो गया। मैमेलियन में तो सिर्फ वीवी पैरस ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, ओवी पैरस भी होते हैं बच्चों, है ना। एंड रेप्टाइल्स में तो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। वेरी गुड इंद्रजीत, जे, अवनेश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, ऑल टीनोफोर्स आर मरीन, ऑस्टिया आर द पोस्ट प्रेजेंट इन पॉरीफेरल्स। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, बताओ। हाँ आशीष, दो तीन है, एक तो आशीष कुमावत नजर आ रहा है मुझे, एक आशीष कुमार नजर आ रहा है, हाँ तभी मैं सोचूं कि बार बार आशीष क्यों जो है आंसर दे रहा है। यस बहुत सारे आशीष है यहाँ पर। चलो अभी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो करेक्ट। बता दीजिए बता दीजिए करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 ए बी सी डी, अवनेश, आशीष सिंह ए, इंद्रजीत सी, राजेश्वरी ए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए बच्चों, दिस इज इनकरेक्ट। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेटा, नो इट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा।
सारे टीनोफोर्स मरीन है एंड ऑस्ट्रिया जो है पॉरिफेरेंस में होते हैं। देखो कितना कंफ्यूजन है, कल का क्लास अटेंड नहीं किया इसलिए गलत हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। यस राजेश्वरी, आशीष, साक्षी, तरुण, शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बता दो। ऑल मैमल्स आर विविपैरस एक्सेप्ट डॉल्फिन्स। प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स। ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल इन बर्ड्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कौन सा है बता दीजिए फटाफट से। हाँ बता दो करेक्ट ऑप्शन। कोई नहीं बता रहा है, मैं ही बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, तो ऑल मैमल्स आर विविपैरस एक्सेप्ट डॉल्फिन। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे आना चाहिए और नहीं तो राइंकस एंड एकिडना। प्लेकोइड स्केल्स जो है वो रेप्टाइल में नहीं होते हैं बच्चों, कॉन्ड्रैक्टाइल्स में होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स बिल्कुल प्रेजेंट होता है टेल के नीचे बर्ड्स में। एंड बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये तो अभी पढ़ा हमने, आज ही पढ़ा। तो जिसको भी कंफ्यूजन है बच्चों, जाके जो मैंने चार्ट्स दिए हैं वो पढ़ लेना। उन चार्ट्स में सब कुछ जो है डिटेल में लिखा हुआ है, हमने काफी डिटेल में जो है ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। हेलो रॉबिन, बहुत लेट हो गए बेटा। यस, तो करेक्ट ऑप्शन वाज सी। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। गुड इवनिंग दीपांशी। चलिए नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड विल बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एम्ब्रायो। पेरी प्लैनेट अमेरिकाना एंड प्लेनेरिया, ऑक्टोपस एंड हाइड्रा, फिश एंड एम्फीबियंस, या सिर्फ प्लेनेरिया। यस आई एम फाइन रॉबिन, हाउ आर यू बच्चे। ए बी सी डी बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हेलो विनूथना, हेलो गुड इवनिंग बच्चों। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमोरो मेंटी क्विज एट 5 PM ओनली ऑन ग्रेड अप नीट चैनल। ओके, कल मत भूलना बेटा मेंटी क्विज में आने। अच्छा तो करेक्ट ऑप्शन, हेलो अनुपम, तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए है, बहुत सारे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, इंद्रजीत ए आंसर कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन है बेटा सी, ना कि ए। फिश एंड एम्फीबियंस ये कौन हुए? ये है कॉर्डेटा और इनके पास होगा नोटोकॉर्ड। क्यों बच्चों? क्योंकि ये है कॉर्डेटा। ओके, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन एव्स। एव्स का क्या फीचर नहीं है तो बताइए। करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, विच इज नॉट प्रेजेंट इन एव्स बच्चों। ओके, तो स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, आई एम वेटिंग फॉर मोर ऑप्शंस। हेलो अरहम, मेंटी क्विज में रिवॉर्ड मिलता है क्या? शाउट आउट मिलता है बेटा बस। ओके अच्छा, हाँ बेटा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, क्रोमा का प्रॉब्लम है, ऐसे मत बोलो यार। बताइए क्या क्या करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। वेरी नाइस, स्किन जो है इनका ड्राई है बेटा, विदाउट ग्लैंड्स। ओके, द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, ओनली वन ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल एंड दैट इज नोन एज प्रीन ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज बच्चों सी। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, करेक्ट ऑप्शन वॉज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स। पोस्ट एनल टेल, वेंट्रल हार्ट, नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक फॉर्म, सी एन एस इज वेंट्रल। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों कॉर्डेट्स का? जल्दी बताइए, ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं जस्ट नाउ। पोस्टेनल टेल, वेंट्रल हार्ट, नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक फॉर्म एंड सी एन एस इज वेंट्रल। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज सी एन एस इज वेंट्रल। सी एन एस कहाँ होता है बेटा? डॉर्सल होता है, इजेंट इट, हम पढ़ चुके हैं। हॉलो होता है एंड सिंगल होता है जब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। पोस्ट एनल टेल होता है, नोटोकॉर्ड होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? करेक्ट ऑप्शन वाज डी एंड नॉट एट ऑल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not the characteristic feature of chordates? अच्छा ये तो repeat हो गया बेटा. D था correct option. Next question. All cyclostomes are ectoparasite on some fishes. Poriferans and tenopores are exclusively marine. बताइए कौन सा है correct statement? A, B, C और D. बताइए what will be the correct option for this question? साइक्लोस्टोम्स एक्टोपेरासाइट होते हैं क्या? पॉरीफेरेंस एंड टीनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. दिस इज अ स्टार क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. आशीष कुमावत इज सेइंग सी. तरुण सी. जे ए. राजेश्वरी. अविनाश. साक्षी. रितेश. सी आशीष. ए कुमार. ए शिखा. सी बेटा करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टीनोफोर तो मरीन है बट पॉरीफेरन जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एंड मरीन भी हो सकते हैं. सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट. यस, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. वेरी गुड. सो दैट वॉज इट फॉर टूडे. होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. वी विल मीट टुमारो एट 5 PM फॉर मेंटी क्विज. ओके, मेंटी क्विज के लिए मिलेंगे हम कल 5 बजे ओनली ऑन ग्रेड अप नीट चैनल. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मेंटी क्विज टुमारो एंड टॉपिक विल बी एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम विल बी द टॉपिक ऑफ टुमारोज मेंटी क्विज. ओके बच्चों, चलिए तो बाय बाय बच्चों. टेक केयर. सी यू टुमारो एट 5 PM ओनली ऑन ग्रेड अप नीट चैनल. चलिए बाय बाय. बाय बाय. टेक केयर.